वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मैडनेस। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा मजे में भी होंगे। फॉर मोर डिलीशियस एंड ट्रेडिशनल रेसिपीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। हाय, दिस इज राबिया आजम और आज की हमारी रेसिपी है लाहौरी फिश फ्राई। आप इसको ग्रीन सॉस के साथ सर्व कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। मैंने इसके लिए सुरमई मछली ली है तकरीबन 2 किलो और मैंने इसको अच्छी तरह चेक किया है, गलफड़े चेक करते हैं इसके। अब मैं इसकी सबसे पहले सफाई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 कप सिरका, ये मैंने अभी जो है फ़िश के ऊपर डाल दिया है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून लहसुन के, पिसा हुआ लहसुन मैंने लिया है और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। देन हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद हम वॉश कर लेंगे इसको, तो हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। वॉश करने के बाद हमने इसको नेट में रखना है ताकि सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। एक अलग बाउल में 1/4 कप मैं लूँगी लेमन जूस। उसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और लहसुन पेस्ट का जो बाउल था उसी के अंदर मैंने पानी भरकर वो पूरा 1 कप जो है वो उसमें डाल दिया है बाउल के अंदर। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर भुना हुआ पिसा हुआ, अजवाइन 1/2 टेबल स्पून। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें 1/2 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया ये भी मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है, मैंने इसे भून लिया था, कुटा हुआ भुना हुआ है ये। उसके अलावा मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाला है, लाल पिसी हुई मिर्चें ये भी मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है और हल्दी मैंने डाली है 1 टी स्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे नमक हसबे जायका, मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद हम इस पेस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये कुछ इस फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन का और बेसन शामिल करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि इसमें कुछ पिक्सल्स या कुछ गुठलियाँ फुटकियाँ ये बिल्कुल भी ना हो और बहुत अच्छे तरीके से हमारा बेसन ब्लेंड हो जाए। और उसके बाद हम इस बेसन को साइड में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं मैं कितने अच्छे तरीके से इसको जो है मिक्सअप कर रही हूँ, ये इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी होने वाला है हमारा बेसन। देन उसके बाद हम अपने फर्दर स्टेप की तरफ चलेंगे। फिश जो है वो इसको 2 घंटे हो चुके थे, मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह छिड़क देंगे और उसके ऊपर अच्छी तरीके से दोनों तीनों चारों साइडों से कॉर्नफ्लोर लगाकर हर हर पीस को अच्छी तरीके से मैं साइड कर दूँगी। ये तमाम तकरीबन मेरे पीसेस पे लग गया है फ़िश के कॉर्नफ्लोर। देन ऑयल मैंने पहले से गरम कर लिया था और अब हम फिश के पीस को बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर रैप करेंगे जो हमारा बेसन का मिक्सचर है। देन विल फ्राई। अच्छा, फ्राई के लिए जो फ्लेम है मीडियम टू लो है, क्योंकि फ़िश का पीस थोड़ा बड़ा होता है तो मैंने जो है मीडियम टू लो फ्लेम रखी है। देन इस पर ये फ्राई हो जाएगा। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत अच्छा बेस्ट फ्राई हो जाता है। ये एक साइड से हो चुका है फ्राई और नाउ आई नीड टू चेंज द साइड। यस, देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा सा सुर्ख सा कलर आया है, ये मैंने आपके सामने टर्न कर दिया है, अब ये दूसरी साइड से सिक रहा है। रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत क्विक रेसिपी है, तो आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है आज की। और देखें बिल्कुल जो है वो ये सुरमई फिश जो है यूजुअली एक भाप में भी गल जाती है ना, तो जस्ट हमें इसकी कवरिंग जो है उसको ही थोड़ा सर्व करना होता है, बेसिक हमारा सीन ये होता है। तो फिश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और अब हम इसे सर्व करेंगे थोड़ी सी प्याज के साथ, थोड़ी सी ग्रीन सॉस के साथ और इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे हमारा चाट मसाला। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।